हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर व्लॉग्स में। और गाइस, आज अपने पास बेनेली 600 GT। तो यार, अभी अपन इस बाइक को चलाने वाले हैं और इसका जो राइड रिव्यू है वो करने वाले हैं। देखते हैं यार, बाइक जो है चलने में कैसी है। पहली बार मैंने चलाई है इस बाइक को, तो प्रिंट पे भी आए हुए थे। प्रिंट पे ने बोला चल ठीक है कमल, अभी तू चला ले इस बाइक को। तो अपन अभी इसका यार राइड रिव्यू करने वाले हैं। बाइक अगर देखें ना तो बहुत शानदार बाइक है और ऊँची बाइक है। एडवेंचर के हिसाब से बहुत सही बाइक है, इससे आप ऑफ रोडिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। अभी यार मैं आपको इसका एजोस साउंड जो है वो सुना देता हूँ कि इसका जो एजोस साउंड है वो कैसा आ रहा है। तो गाइस, ये इसका साउंड है। तो चलो यार जल्दी से करते हैं इसका राइड रिव्यू स्टार्ट। तो गाइस, जो बाइक है यार चलने में स्मूथ है, 600 CC की बाइक है और पावर भी काफ़ी अच्छा है। बस इसमें बाइक में यार एक मिस्टेक है कि इसका जो क्लच है ना यार, एक क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है यार। पता नहीं क्यों, मेरे पास अभी तक जितनी भी गाड़ी आई है ना सुपर बाइक, उनमें सब में जो क्लच है वो मेरे को हार्ड ही मिला है। तो मैं भी शायद हो सकता है कि यार इन बाइकों में जो क्लच है वो हार्ड आता हो, आई डोंट नो। बट मैं जितनी भी गाड़ियाँ चलाई ना अभी सब में मेरे को क्लच जो है वो हार्ड मिला है। बाकी चलने में गाड़ी स्मूथ है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है। टूर वगैरह पे जाते हैं तो भी आप इजी से टूर वगैरह कर सकते हैं इस बाइक से। तो स्पीड भी देख लेते हैं इसकी। स्पीड भी सही है यार, काफी सही स्पीड है बाइक की। हाँ यार ठीक है यार, नो डाउट गाड़ी बुरी नहीं है, बहुत सही गाड़ी है, ऊंची भी काफ़ी है, आराम से टूरिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह पे जाते हैं, टूर वगैरह के लिए जाते हैं, जा सकते हैं। 4 सिलेंडर बाइक है। काफ़ी सही है यार इसका स्टॉक एजोस के, अभी इसमें एजोस जो है वो चेंज नहीं है। और ये वाली जो बाइक है यार वो BS3 है, इसमें अपने को हेडलाइट का वो स्विच मिल जाता है तो BS3 है। BS4 में यार, BS4 BS6 दोनों में ही अपने को जो लाइट ऑन ऑफ का स्विच है वो देखने को नहीं मिलता। तो काफ़ी सही बाइक है, कंडीशन भी बहुत सही है गाड़ी की, ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया है और चलने में काफ़ी स्मूथ भी है। अगर यार मैं R6 से और बेनेली 600 i से अगर कंपेयर करता हूँ ना, तो यार मुझे उतना पावर नहीं लगा इस बाइक के अंदर। बाकी जो बाइक है यार अपने टूरिंग के लिए बेस्ट है, 600 i भी बेस्ट है और पावर भी यार जितनी होनी चाहिए उतनी है। बट अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो कंपैरिजन के हिसाब से यार उतनी पावर नहीं है इस बाइक में। बाकी नो डाउट बाइक ठीक है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सही है। और R6 की यार जैसा कि बताओ यार, R6 की अगर आपने अभी तक वीडियो देखी नहीं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैंने उसका भी यार राइड रिव्यू किया हुआ है और उसमें यार एजोस जो है वो चेंज था, यानी कि एजोस का जो साउंड है उसमें बहुत शानदार आ रहा था। बट ये स्टॉक एजोस का है तो इसमें साउंड जो है वो उतना नहीं आ रहा, क्योंकि स्टॉक में यार नहीं आता, 4 सिलेंडर है तो चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। चेंज होता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, बट नो डाउट कोई ना, ऐसे भी काफ़ी सही साउंड आ रहा है इसका। और काफ़ी ऊंची बाइक है यार, अगर आपकी हाइट कम है तो आप इस बाइक को ना चलाएं या फिर ना परचेज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी खड़े हैं यार, पुनीत भी है मेरे साथ में, हम दोनों जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था यार, अगर आपकी हाइट जो है वो कम है तो आप इस बाइक को ना चलाएं और ना परचेज़ करें, क्योंकि कम हाइट वालों के लिए बाइक नहीं बनी है। मेरी भी कम हाइट है बट ज़्यादा कम नहीं है, जिस
उसकी ज़्यादा ही कम है, यानी कि 5.5 है या 5.5 से नीचे है, तो वो बंदा इस बाइक को परचेस ना करें, क्योंकि ज़्यादा ऊंची बाइक ही है। मेरे भी यार जो पाँव है वो पूरे प्रॉपर नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसके अलावा यार आप और भी मॉडल्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि R6 है, R1 है, और भी खूब सारे वेरिएंट्स हैं, खूब सारी बाइक्स हैं जो आपको हाइट में भी मिल जाएगी, और इससे काफ़ी यार अच्छी बाइक्स मार्केट में आपको मिल जाएंगी। बाकी तो यार जैसे कि आप सबको पता ही है यार, मेरी फेवरेट ड्रीम बाइक सिर्फ दो ही हैं, एक 10R और एक R1M। तो इन फ्यूचर अगर होता है तो यार परचेस करेंगे बाइक को, क्योंकि जब मैंने यार R6 चलाई ना यार, R6 चला के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और इससे पहले भी आपको पता है यार, बैनली 300 थी TNT, वो मेरे पास ही खड़ी थी, मैं उसी से राइड वगैरह कर रहा था अधिकतर। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने रील्स वगैरह देखी होगी, पोस्ट वगैरह देखी होगी और स्टोरी वगैरह देखी होगी, तो आपको मालूम ही होगा कि वो मेरे पास ही खड़ी थी, क्योंकि पुनीत भैया चला नहीं थे, पुनीत भी यार पटियाला शिफ्ट हो गए थे। पुनीत भैया ने बोला कमल यार घर पर भी खड़ी है, खड़े खड़े भी गाड़ी की बैटरी जो है वो लो होगी, बार बार उसको चार्ज करो, उससे बढ़िया तू ही ले जाए यार, तू ही चला ले उसको। तो TNT मेरे पास ही खड़ी थी। TNT भी यार गाड़ी सही है प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए, और अभी उसका यार BS6 वाला जो वेरिएंट आया है यार, उसमें काफ़ी फीचर्स कंपनी ने ऐड करे हैं। तो यार एक बाइक आप वो भी देख सकते हैं अगर पैनली में ही जा रहे हैं तो, और अगर घर की राय मानो तो जिसकी हाइट ज़्यादा है वही इस बाइक को परचेज़ करें, अदरवाइज़ ना करें, आपकी किसी मतलब की बाइक नहीं है ये। और अगर आपको पावर ही सही है तो पावर के हिसाब से फिर आप 600i देख सकते हैं, R6 देख सकते हैं, R1 देख सकते हैं, 650 देख सकते हैं, ऐसे यार खूब सारी वेरिएंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे मार्केट में। Z800 भी बहुत अच्छी बाइक है, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल मामूल सा ही डिफरेंस है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो Z800 बहुत प्यारी चीज़ है, लिटरली यार मैंने उस बाइक को चलाया है और वाकई में यार जो पावर होनी चाहिए ना वो उस बाइक के अंदर है, काफ़ी सही बाइक है वो। तो ये तो थी यार बैनली 600 GT की और थोड़ी कंपैरिजन बाइक्स की बातें। बाकी अभी अगर मैं 600 GT से बात करता हूँ, 600 GT की, तो 600 GT सही है, बट सही बताऊँ ना यार मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया बाइक को चला के। वो कारण इसलिए था कि मेरा यार थोड़ा सा अलग टेस्ट है, जैसे कि आपको पता ही है पावर और स्मूथ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे इन दो चीज़ों से। बाइक एकदम स्मूथ होनी चाहिए और पावर होनी चाहिए बाइक के अंदर। जैसे कि अगर मैं 650 से कंपेयर करूँ ना यार निंजा 650 से, तो निंजा 650 की पावर और यार स्मूथनेस बहुत काफ़ी सही है इस बाइक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। मैं भी शायद हो सकता है कि यार BS3 मॉडल है इस चक्कर में, और मैंने जो बाइक है वो BS4 चलाई थी, तो मैं भी शायद हो सकता है कि उसमें भी यार डिफरेंस हो, बट कंपैरिजन के मामले में यार भाई घर के रह दूँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बाइक। बाकी अगर टूरिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो टूरिंग के हिसाब से बहुत बेस्ट बाइक है, आराम से आप लो, परचेस करो, चलाओ, दौड़ाओ, खड्डे में कूदाओ, कहीं पर भी कूदाओ, बस केयर रखनी पड़ेगी गाड़ी की। सुपर बाइक में अपने को बहुत केयर रखनी पड़ती है, अगर गाड़ी की केयर नहीं करोगे तो फिर गाड़ी खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा मांगेगी। मैं यार लिटरली सही चीज़ बताऊँ ना यार, अभी डोमिनार के बाद मैं अपनी बाइक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, यानी कि मेरी ब्लू डायमंड का, तो मेरी गाड़ी भी खर्चा मांग ही रही है। अभी जैसे चैन सेट वगैरह जो है वो अभी थोड़ा लूज पड़ा है, उसको टाइट करवाना है, प्लस चेन स्प्रे वगैरह करवाना है, और इसकी सर्विस भी पास में आ गई है तो इसकी सर्विस भी करानी है, प्लस इसका जो यार गियर है फर्स्ट सेकंड, अगर मैं फर्स्ट में लेता हूँ तो सेकंड में डायरेक्ट चल जाती, न्यूटन नहीं होती, एक मुझे इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस बाइक में। अगर यार किसी को इसका सॉल्यूशन बताओ तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बताना कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। बाकी 600 GT ठीक है चलाने में, ज़्यादा पावर नहीं है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, ज़्यादा स्मूथनेस नहीं है। बाकी 600 CC के हिसाब से प्राइस के अकॉर्डिंग जो बाइक है वो सही है, क्योंकि कंपनी सारी चीज़ें एक बाइक में नहीं दे सकती ना यार, कि एक ही बाइक में दे दे कि तुमको भैया पावर भी दे दे, स्मूथनेस भी दे दे, टूरिंग के हिसाब से भी दे दे, वो चीज़ें यार देखो एक बाइक के अंदर नहीं आती, और अगर आती हैं तो प्राइस जो है वो फिर
सीधा सूरज को ही टच करेंगी, तो कोई सेंस नहीं है। इसके अलावा भी यार मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टूरिंग के हिसाब से भी। अभी BMW की बाइक आ रही है 310 ZS आ रही है, 310 आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार उसमें, आप देख सकते हैं। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, साढ़े तीन के आसपास ऑन रोड बाइक पड़ती है समथिंग, मुझे कंफर्म नहीं है प्राइस उसका क्या है। बाकी सुपर बाइक ही अगर आपको चाहिए तो सुपर बाइक के हिसाब से तो फिर 600i GT देख लो, ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस ये थी अपनी बेनेली 600 GT का राइड रिव्यू। वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं एंड। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। पास में बेल आइकन आ रहा होगा उसको दबाओ, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ड्राइव, सेफ राइड एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बाय।